मेरा राशन मेरा ऐप के जरिए प्रवासी लोगों को हो रहा फायदा। ऐप के जरिए अब देश में कहीं से भी राशन ले सकते हैं लोग। लॉकडाउन के दौरान लोगों को राशन से संबंधित कोई परेशानी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा एक देश एक राशन योजना के तहत मेरा राशन ऐप के माध्यम से अनाज वितरित किया जा रहा है। दरअसल यह योजना उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो आजीविका के लिए अन्य जिलों या प्रदेशों में एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहते हैं। ऐसे में अब उन्हें राशन लेने के लिए अपने शहर के डिपो संचालक पर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा राशन ऐप के माध्यम से वे कहीं से भी अपना राशन ले सकते हैं। रादौर के डिपो संचालक हरेंद्र कुमार ने बताया कि उनके पास भी ऐसे कई लोग हैं जो शहर में अन्य जिलों या अलग प्रदेशों से आकर यहां से राशन प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले इस योजना में हरियाणा के लोगों को ही लाभ मिल रहा था, लेकिन अब कहीं का भी व्यक्ति खाद्य सामग्री ले सकता है। मेरा राशन मेरा ऐप योजना बहुत अच्छी है। इससे जो प्रवासी मजदूरों को और बाहर से जो भी हैं उनको सबको क्या नाम है खाद्यान्न मिलता है, और इसमें डिपो धारक भी देने से आनाकानी नहीं करता। मेरे पास भी कम से कम 25-30 बंदे ऐसे हैं जो बाहर से राशन लेते हैं हर महीने। पहले यह योजना सिर्फ हरियाणा में थी, और अब जो बाहर वाले हैं वो भी मेरे से लेके जाते हैं। यूपी के 2-3 बंदे मेरे से लेके जाते हैं, बाकी जो हरियाणा के हैं, ये जो कोई कुरुक्षेत्र का है या इंद्री का है या हिसार के हैं या कैथल से भी 2-3 कार्ड मेरे पास हैं, वो जो है हर महीने के महीने राशन लेकर के जाते हैं। ये ऐप बहुत अच्छी बनाई है सरकार ने, कि जिससे किसी को भी दिक्कत नहीं होती। पहले क्या होता था कि दूसरे स्टेट में जाने से राशन कार्ड कट जाता था, लेकिन अभी ये है कि अगर कोई दूसरे स्टेट में आ जाता है या इधर उधर की तरह चला जाता है तो उसको खाद्यान्न मिलता रहता है और उसका गरीब परिवारों का पेट पलता रहता है। सरकारी हॉस्पिटल के SMO ने कहा, बढ़ती गर्मी के साथ कोरोना के अलावा मौसमी बीमारियों से भी बचाव जरूरी। कोरोना महामारी के बीच बढ़ती गर्मी के साथ मौसमी बीमारियों का भी असर देखने को मिल रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों से प्रभावित काफ़ी लोग पहुंच रहे हैं। रादौर सरकारी हॉस्पिटल के SMO डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि इस वक्त हमें कोरोना से बचाव के साथ साथ गर्मी में फैलने वाली बीमारियों से भी बचाव करना है। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही खेतों में कार्य करने वाले लोगों को नींबू पानी या लस्सी आदि का सेवन करना चाहिए, ताकि उनमें डिहाइड्रेशन की दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि इस वक्त उनके पास दस्त व बुखार के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे में मलेरिया आदि से बचाव के लिए भी बताए गए नियमों को लोगों को अपनाना चाहिए। जब भी मौसम में बदलाव होगा तब भी ये दिखते हैं आती है सामने। अब जैसे गर्मी पड़ रही है, बढ़ रही है गर्मी बहुत ज़्यादा, तो इसके अंदर हमें खासतौर पर ध्यान रखना होता है कि लू ना लगे लगातार, जिसके लिए हमें चाहिए कि लगातार हम पानी जो है या जो हमारे पेय पदार्थ हैं उनका सेवन करते रहें। और ये भी देखने में आया कि लोग अक्सर खाली पानी ज़्यादा पीते हैं, सिर्फ पानी पियेंगे, तो मेरी उनसे भी एक गुजारिश रहेगी कि वो पानी के साथ साथ जैसे नींबू पानी है, लस्सी है या ORS का घोल है, अगर वो बेहद कश काम कर रहे हैं, खासतौर पर खेतों में काम कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल करें ताकि वो लू से बच सके। ये भी देखने में आया कि बच्चे हैं या बड़े हैं उनमें दस्त और बुखार उनमें आ रहा है बच्चों में, तो वो घर से ही अपना जो उपचार है वो शुरू करें, जैसे कि ORS का मैंने बताया घोल है उसको लेना शुरू करें, इसी तरह नींबू पानी है वो घर से शुरू करें, ताकि पानी या डिहाइड्रेशन जिसको हम बोलते हैं वो बच्चों में ना हो पाए या बड़ों में ना हो पाए। इसके साथ साथ ये भी है कि जो जैसे मौसम खुल रहा है तो मलेरिया का या मच्छरों का प्रकोप है वो भी बढ़ेगा, तो हमें इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अपना मलेरिया जो है उसका भी बचाव करके रखें। जैसे कि उसके बचाव के सिंपल से साधन है कि अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, जो अपने कूलर्स हैं या जो शुरू हो चुके हैं तो उनका लगातार सफाई करें, और कम से कम संडे को एक हमने ड्राइव शुरू होती है हमारी ड्राई डे का मतलब है कि हम उसको अच्छे तरीके से कूलर को साफ़ करें और उसके जो खासकर किनारे हैं उनको कपड़ा लेकर रगड़ के साफ़ करें, ताकि मच्छर का लार्वा वहाँ लगा हुआ है तो वो मारा जाए वहाँ पर ना रहे। पूरी बाजू के कपड़े डालें, और अगर बुखार लगता है कि तेज़ है, सर्दी लग के बुखार आ रहा है, तो तुरंत प्रभाव से अपनी वो जांच कराना सुनिश्चित करें और अपनी जो हॉस्पिटल में आके डॉक्टर से परामर्श करें। धान की सीधी बिजाई कर पाने के साथ लेबर की समस्या से भी निजात पा सकते हैं किसान। कृषि विकास अधिकारी रादौर खंड कृषि कार्यालय में तैनात कृषि विकास अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि गिरते भू जल स्तर को देखते हुए किसान धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस विधि से धान की फसल के लिए जहां लेबर की समस्या से किसानों को नहीं जूझना पड़ता, वहीं पानी की भी बचत होती है। उन्होंने कहा कि किसानों को पारंपरिक तरीके से धान की रुपाई के कार्य को छोड़कर धान की सीधी बिजाई को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान धान की सीधी बिजाई DSR यंत्र द्वारा कर सकते हैं, जिससे नीचे गिरते भूजल स्तर को भी बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस विधि से तरबतर खेत में धान की सीधी बिजाई की जाती है।
डीएसआर के अंदर जो है, जो सबसे पहले नंबर पे तो पानी की बचत होगी हमारी। पानी की बचत के साथ साथ जो अब लेबर की जैसे आने वाले टाइम में समस्या है, कोरोना चला हुआ है और लेबर को जैसे अपनी लोकल लेबर है या बाहर से जो लेबर आती है तो उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि सरकार ने अभी पाबंदी दी है और इसमें आप संक्रमण का भी खतरा रहता है। मशीन है, मशीन के द्वारा कोई संक्रमण नहीं है और हमारे को स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगी, क्योंकि और इसको देख इसमें डीजल की बचत है, पानी की बचत है, इसके साथ ही हमारे जो ये लेबर की बचत है और एक कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाता है मशीन के द्वारा।